ਘੱਟ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 150-200 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਠਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਤੀਸਾ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਤੇ ਬਰਫੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਠਾਈ ਸਾਨੂੰ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਮਿਠਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਉਹ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹਮ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮ ਤਾਂ ਕੇਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸੂਜੀ ਸੇ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚਿੱਲੀ ਬਟਰ चीनी के और तो लगता है कि ये जो और मेरा मेन काम है पतीसे का पतीसे में मैं 18 साल से पतीसा बना रहा हूँ राजधानी बेसन श्रीराम का मैंदा उत्तम की खांड बड़े पतीसे जो बैंड का पतीसा बनाता हूँ पतीसे मेरा नाम अच्छा है और मैं अच्छा काम करता हूँ और मेरे यहाँ पे माल बिक जाता है 4-5 बंदे उनका भी परिवार चल जाता है मेरा भी परिवार चल जाता है काम करते जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे ये बता रहे हैं विभाग वाले कि 150 रुपये किलो खरीद के आपको लगता है कि उसमें वो बिल्कुल सही चीज़ होगी वो रेट के बारे में आपको मैं नहीं बता सकता हूँ सर बोलेंगे सर के अच्छी आपने बताया होगा सर को कि इसमें हमारे साथ सही काम कर लिया जिन्होंने वो हमारे को बताया कि ये काम ऐसे करना है मेरी कोशिश है मैंने 100% सफाई बढ़िया रखी है आज के त्यौहार की तारीख है बेदी नगर गली नंबर 2 मोगा विखे जी हैगी है सानू गुप्त सूचना मिली सी कि जिहड़ा ये मिलक केक हैगा जोधपुर तो आया हैगा जो कि इन्हां मालक वालों दस्या गया है कि इन्हें 150 रुपये परचेज किया हैगा जिहड़ा बाजार दे विच 300 रुपये किलो बिकता है तो उस बेस से जो शक्की के आधार पर जोड़ा है कि यह मिलक केक जो सारा इन वालों खरीदया गया है वो सारा वो सैंपल लिते गए हैं तो जोड़ा सारा स्टॉक से सील किया गया है जी रिपोर्ट आप 24 घंटे लैब तो मंगा के जी अगली बंदी कार्रवाई की जाएगी हूँ इन्हों को टोटल जोड़ा है 12 क्वेंटल के करीब जोड़ा ये मिलक केक मिले है 2 क्वेंटल है जी अपने को जी खोआ बर्फी है जो इन वालों बनाई गई उन्हें समय समय सिर चैकिंग की जा रही हैगी है जो पिछले समय के जोड़ा कोल जी आज मिलक केक आया है तो यदि रिपोर्ट जी 24 घंटे के अंदर ताइ तो जब्त करके चले है आप कि यह जो बेच ना सकन मिठाई को सर फैक्ट्री के रेड की गई है जी सफाई में लेकर नॉर्म्स जिहड़ा मेन जिहड़ा सफाई का हुंदा हैगा इन्हां नूं जिहड़ा हदायतां दित्तियां गईआं हन मैक्सीम जो इन्हां दी सफाई है जिहड़ी ठीक है जो कोर्नर दे विच जो है जो ध्यान देना इन्हां नूं उस रिगार्डिंग जिहड़ी हदायतां जारी कीतियां गईआं हन अगली की कार्रवाई कीती जाएगी ये जिहड़े सैंपल अज दी डेट च ही लैब च चले जाणगे इन्हां दी उम्मीद है कल तक रिपोर्ट आ जाएगी तो जिस हिसाब नाल जिहड़ा बंदी कार्रवाई कीती गई लैब रिपोर्ट अनुसार है फैक्ट्री के अंदर अंदरले हिस्से दे विच कैमरा लैके भी मीडिया नूं अलाउड नहीं कीता जांदा वो मीडिया ते आप जी का है सारे डिपार्टमेंट वालों जो सारे शूट किए गए आप जी शेयर कर दिए जाएंगे कुछ समान जो मिलक केक है और मिठाई का समान है ये जोधपुर अबोहर तो इस स्थान के उत्ते पहुंचा मैं निजी तौर के उत्ते सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो मैं पता लगे मैं नाल ही पहुँच गया पहुंचने तो बाद मैं जी फूड की टीम है साड़ी जी हर वे तैयार रही है नाल ही मौके पर सद्या तो सारे जोड़ा ये श्री लक्ष्मी भंडार है जी जिथे पिस्ता वगैरह बनता है उनकी चैकिंग होती है चैकिंग दौरान जोधपुर तो बनी हुई 540 किलो जी मिलक केक मिले और अबोहर तो बनया हुआ 852 किलो मिलक केक मिले टोटल सानू 1392 किलो मिलक केक मिले
जो थोड़ा शकी जापता क्योंकि इन्होंने कहने के मुताबिक 130 रुपये और 150 रुपये के रेट के हिसाब इन्होंने खरीदया और खोया बर्फी जी 255 किलो बनी हुई थी जी थोड़ी शकी जापी है साढ़े फूड इंस्पैक्टर ने आके इतने सैंपल जड़े ने ले ले हैं और 4 सैंपल जड़े अज ही भेज दिए जाएंगे रिपोर्ट आएंगे बाकी कार्रवाई सर दिवाली त्यौहार तो सर दिवाली त्यौहार तो पहले महीना डेढ़ महीने पहले मिठाई बन के तैयार स्टोर हो जाती है उदू पहले चैकिंग क्यों नहीं की होनी क्यों की 3 दिन पहले जो हदायत मिलती हैं साड़ी रेगुलर चैकिंग चल रही है और डेली जो है सैंपलिंग की जा सर जो टेस्टिंग आऊगी उदू बाद मिठाई कल तक आ जाएगी सैंपलिंग की रिपोर्ट और ही कार्रवाई करती है सफाई वालों के इंतजाम किए गए सफाई वालों इंतजाम जोड़े है वो थोड़े तसली बख्शी देखे है कोई ऐसी स्मैल नहीं आ रही और इन वालों सफाई का ध्यान भी रखा जा रहा पर माइनर चीज़ा जीडिया देखिया गई जिंद जी परसनल हाइजीन है जो बना रहे हैं वो इन्नी प्रॉपर नहीं सी उन्होंने समझाया गया कि ग्लव्स हर बंदे के पाए होने चाहिए है और प्रॉपर ढंग उनके साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए है फर्श से किसी तरह का भी कोई समान जो है इस तरह का डुलिया या खिल रहा या कुछ नहीं होना चाहिए।